तो मेरा 2 से 5 बजे तक एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देकर घर आ चुका हूँ। अभी जा रहा हूँ मार्केट मूड फ्रेश करने, क्योंकि मैं कंटिन्यू 1 महीने से अपने बैक पेपर दे रहा था। और इग्नू से ग्रेजुएशन करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आप इग्नू से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मेरी मानो आप एडमिशन मत लो, आप किसी रेगुलर कॉलेज से एडमिशन ले लो और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी दोस्तों, करेगा। जैसे ही नज़र मेरी बेसिन की तरफ जाती है, गंदे बर्तन देखकर मेरी हालत खराब जाती है, लेकिन ठंड बहुत है, फिर भी मजबूरी में बर्तन धोना पड़ता है। उसके बाद मुझे पूजा करना था, मैं पूजा करने के बाद जैकेट पहन लेता हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत चलते है। हैं मार्केट। तो बहुत ही बकचोदी होगी, अब इन बकचोदी को बंद करते हैं, आइए मुद्दे की बात करते हैं। मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली के पालम एरिया में, और मेरे पालम में एक मेट्रो स्टेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पालम मेट्रो स्टेशन। और इस मेट्रो स्टेशन को चलिए आइए आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों, पालम मेट्रो स्टेशन मैजेंटा लाइन है जो जनकपुरी वेस्ट से लेकर बोटेनिकल गार्डन तक जाती है। दोस्तों, ये रहा पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3। अगर आप पालम थाना आना चाहते हो तो आपको गेट नंबर 3 से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आप पालम गोलचक्कर जाना चाहते हो तो भी आपको गेट नंबर 3 से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, ये रहा टिकट मशीन जहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी टिकट ले सकते हो। पहले टोकन सिस्टम था लेकिन अब बंद हो चुका है, अब आपको बारकोड पर्ची मिलती है जिसको आप स्कैन करके बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, ये रहा गेट नंबर 3 का लिफ्ट, लिफ्ट नंबर 2। दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट ऊपर बाहर निकल सकते हो। ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए लिफ्ट दी जाती है, जो कि एक अच्छी फैसिलिटी है दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा। दोस्तों, ये लिफ्ट में एक मिरर भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, जहाँ से कि आप अपने थोबड़े को देख सकते हो। देखिए, मैं देख रहा हूँ अपना थोबड़ा, काफ़ी चमक रहा है। दोस्तों, मैं लिफ्ट से बाहर निकल गया। ये जो सामने आपको जगह दिख रहा है, ये पार्किंग एरिया है गेट नंबर 3 का, जहाँ पर मेट्रो स्टाफ अपनी पार्किंग कर सकते हैं गाड़ियों को, और बाहर के भी लोग पार्क कर सकते हैं, लेकिन उनको पर्ची कटानी पड़ेगी। दोस्तों, ये रहा रोड, और ये आप पालम फ्लाईओवर का ऊपर ओवर ब्रिज देख सकते हो। अब मैं पहुंच चुका हूँ पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने, जहाँ से आप एंट्री और एग्जिट दोनों ले सकते हो। दोस्तों, इस गेट नंबर 2 से बाहर अगर आप निकलते हो तो आप मंगलापुरी और पालम फ्लाईओवर पर डायरेक्ट जा सकते हो। दोस्तों, ये रहा पार्किंग एरिया और लिफ्ट, जिसे कि आप डायरेक्ट फैसिलिटी ले सकते हो। दोस्तों, ये पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 का जो पार्किंग एरिया है, जहाँ पे बच्चे भी फुटबॉल खेल रहे हैं, इसको अभी फिलहाल बंद रखा गया है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, जो कि आप अगर डाबरी की तरफ जाते हो, या आप मंगलापुरी, या आप पालम गोलचक्कर की तरफ जाते हो, तो यहाँ से भी आप निकल सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये जो गेट नंबर 1 है बहुत ही कम चलता है, यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते जाते हैं, अधिकतर लोग गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आइए आपको दिखाता हूँ कि अंदर की जो सीढ़ियाँ हैं ये कैसे दिखती है, देखिए आप लोग। दोस्तों, ये रहा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का सारा डिटेल, आप देख सकते हो कि एग्ज़िट आप कहाँ कहाँ के लिए कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।